फिर मैं खाने काकरों में दाखिल होने के लिए दोबारा से, आप देख सकते हैं मैं दरवाजे से दाखिल हो रहा हूँ। और मैं इस वक्त हतीम में मौजूद हूँ और खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। मेरा एक तवाफ़ कंप्लीट हुआ था कि मैं हतीम में आ गया और अभी फिर हतीम से नमाज पढ़ के मैं अपने नवाफिल अदा करके फिर उसके बाद जो है मैं अपने तवाफ़ जारी रखूँगा। फिर उसके बाद मैं सफ़ा मरवा पे जाऊँगा, फिर वहाँ जा कर मैं अपने सफ़ा मरवा के साथ चक्कर लगाऊँगा, उसके बाद जो है फिर मेरा मैं आपको मेरे पीछे लोग नजर आ रहे होंगे सारे, ये सब हतीम के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे होंगे, ये सब पीछे मेरे हतीम में जो है लोग नमाज पढ़ने के लिए आए और वो सब जो है हतीम में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। वो आप देख सकते हैं किस तरीके से لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا حمد لك ولا متى لك لبيك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك जी। मैं इस वक्त अब फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हूँ और मैं अब सफ़ा मरवा की जानी पड़ रहा हूँ और सफ़ा मरवा की निशानियाँ जो हैं उसके साथ चक्कर हैं। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि सफ़ा मरवा की जानब में जा रहा है, ये मेरे पीछे पूरा रास्ता है, पूरी पब्लिक आ रही है। यल करम गेट मैं यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर जाऊँगा सीढ़ियों से। और ऊपर जाके अब हम सात चक्कर लगाएंगे सफ़ा मरवा के और उसके बाद जो है आपको आगे भी दिखाएंगे। दौरान सात चक्कर दौरान सफ़ा मरवा हम जो है आप दमदम भी फरमाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा पहले मेरे का चिकन दे प्रियो तो मैं ऊपर जा रहा हूँ सफ़ा मरवा के साथ चक्कर लगाने के लिए और मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हूँ।
और मैं आ चुका हूँ सफ़ा मरवा की जानब, वहाँ पर चक्कर लगाने मुझे। पहले मैं नियत करूँगा सफ़ा मरवा की, फिर उसके बाद उधर के साथ चक्कर लगाऊँगा, उसके बाद बाकी की चीज़ें जो है मैं आपको एक्सेस कर दूँगी। यहाँ पर आज़मीन उम्र की बहुत बड़ी तादाद जो है सफ़ा और मरवा की निशानियों पर भाग रहे हैं, और आपको बताते चले कि सफ़ा और मरवा की निशानियों पर ये ग्रीन लाइट तक जो है वो उसी पर ही सिर्फ भाग सकते हैं, और ये सफ़ा और मरवा की निशानियों में से मौजूद है कि यहाँ से वहाँ से लेके यहाँ तक की दौड़ लगाई गई थी, और ये ग्रीन लाइट इसी लिए यहाँ पर लगाई गई। आज़मीन उम्र की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वो सब यहाँ पे सफ़ा और मरवा की निशानियों पर दौड़ लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं टाइम्स ऑफ कराची की तरफ से, अब मैं आपको बताता चलूँ कि आज जुम्मे का दिन है और खाना काबा में नमाज़ पढ़ाई जा रही थी, और पूरी दुनिया से तमाम मुसलमान आकर जो है यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ इसमें अरबी मौजूद नहीं है, इंडोनेशियन, चाइनीज़, जापनीज, मलेशियन, पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के लोग भी यहाँ मौजूद थे, और ये सब नमाज़ अदा कर रहे थे यहाँ जुम्मे की और खाना काबा के अंदर। मैंने भी यह नमाज़ अदा की और तीसरी सफ में खड़े हो गया था कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह ताला की शान देखो, यहाँ पर गर्मी में भी जो है गर्मी का लोगों को ख्याल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की शान देखो, अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए उनके लिए गर्मी भी मिलती है। तो बताने का मकसद ये है, ये पूरी तादाद है, अभी इनकी नमाज़ ख़त्म हुई है और आप वो देख सकते हैं कि नमाज़ ख़त्म होने के थोड़ी देर बाद जो है तवाफ़ भी शुरू हो गया है। मतलब तवाफ़ किसी सूरत में रुक नहीं सकता, रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। अगर इंसान तवाफ़ करना रुक देंगे तो जिन्नात तवाफ़ जारी रखेंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजलस मुबारक में जितने भी उम्मत मुस्लिमीन हैं ये सब यहाँ पे तवाफ़ कर रहे हैं, और कुछ लोग नमाज़ पढ़ के, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये आप देख सकते हैं कि लोग उम्रे से और मक्के से जुम्मे की नमाज़ पढ़ के बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है मक्के के अंदर। ये आज तकरीबन करोड़ों का मजमा था और जुम्मे की नमाज़ में यहाँ मौजूद थे, आज़मीन उम्रा भी मौजूद थे, उसमें दुनिया भर से आए हुए मुसलमान भी मौजूद थे, जो पाकिस्तान जो सऊदी अरब में रहते हैं मुसलमान वो भी यहाँ मौजूद थे। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद मौजूद है।